हेलो एवरीवन, दिस इज हीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड प्रोविजंस को समझेंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जानने से पहले थोड़े इसके बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद से आईएनसी ही एक मेजर पार्टी थी इंडिया में। मल्टी पार्टी सिस्टम जो आज प्रिवेल करता है वो उस वक्त प्रिवेल नहीं करता था। 1950s और 60s में और पार्टीज ने भी आना शुरू हुआ, मगर उनका इतना इम्पैक्ट नहीं था कि वो मेजोरिटी हासिल कर पाए। सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी आईएनसी को इजीली मेजॉरिटी मिल जाती थी, मगर इस सिचुएशन में एक मेजर चेंज आया इन द ईयर 1967। 1967 में 16 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए थे, जिसमें से 15 स्टेट्स में आईएनसी को मेजॉरिटी नहीं मिली और कोलिजन गवर्नमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया। कोलिजन गवर्नमेंट्स फॉर्म होने लगी। कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, तो उसको कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट के साथ साथ डिफेक्शन भी शुरू हो गया। डिफेक्शन का मतलब होता है डिजर्शन। डिजर्शन यानी जिस पार्टी से आप इलेक्ट हुए हो, इलेक्शन के बाद उसको छोड़कर कोई और पार्टी ज्वाइन करना। और डिफेक्शन को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं डाली गई थी। अब डिफेक्शन की वजह से जो गवर्नमेंट की वो इनस्टेबल फॉर्म होने लगी, जो एमपीज होते थे, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स होते थे, वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने लगे और इस तरीके के मेजर डिफेक्शन आने लगे, जिसे पॉलिटिकल करप्शन बहुत बढ़ गया और एक इम्बैलेंस डेमोक्रेसी हो गई। इनफैक्ट एक मेजर टर्म भी कॉइन हुई थी, आया राम गया राम। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। हरियाणा लेजिस्लेचर के एक एमएलए थे, गयालाल नाम था उनका। उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर 3 बार अपनी पार्टी को चेंज किया अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए, और इसीलिए जो डिफेक्टर्स होते थे उनको फेमसली आया राम गया राम भी बोलना शुरू हो गया। तो ऐसे डिफेक्शंस को रोकने के लिए, डिस्करेज करने के लिए 1985 में लॉ लाए गए, उसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। 1985 में 52nd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसी से हमने एंटी डिफेक्शन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया था। 52nd अमेंडमेंट से हमने 10th शेड्यूल को भी ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड जितनी प्रोविजंस हैं वो सब 10th शेड्यूल में दी हुई है। लेटर ऑन जब 10th शेड्यूल की प्रोविजंस को रिफॉर्म करने की बात आई, तो वो हमने 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से किया था। 10th शेड्यूल में सारे प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं कि किन किन सिचुएशंस में डिफेक्शन माना जाएगा, कौन सी सिचुएशंस में डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, यानी कि एक्सेप्शंस, उसके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। इसमें डिसाइडिंग अथॉरिटी भी दी है कि अगर डिफेक्शन के ग्राउंड पे किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो कौन डिसाइड करेगा। तो ये सारी जो प्रोविजंस हैं वो 10th शेड्यूल में दी है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ही पॉइंट्स हमें याद रखने बहुत जरूरी है। बहुत बार पास्ट में क्वेश्चन आया है कि कौन सी अमेंडमेंट थी जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया था, तो आंसर इज 52nd अमेंडमेंट एक्ट। 52nd अमेंडमेंट से कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ था, तो 10th शेड्यूल ऐड हुआ था। और इसको वाइस वर्सा भी पूछ लेते हैं कि 10th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ दी हुई है। सो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 52nd अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के 4 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हुई थी। 101, 102 जो कि डिसक्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स हैं इसके अंदर, ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स किन ग्राउंड्स पे डिसक्वालिफाई होते हैं वो दिया हुआ है आर्टिकल 102 में। 190 और 191 रिलेटेड हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स से। आर्टिकल 191 में डिसक्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स दिए हुए हैं ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उनके भी डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड दिए। 52nd अमेंडमेंट से इन ग्राउंड में एक और एडिशन हो गया था डिफेक्शन का, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं अपने अपने हाउसेस से ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ये एक नई डिस्क्वालिफिकेशन एड हो गई थी बाई 52nd अमेंडमेंट। चाहे आप सेंटर में हो या आप स्टेट पे हो, 3 तरीके से आप
मेंबर बन सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। पहला, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं और आप उस पार्टी के थ्रू इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। दूसरा, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं हैं और आप इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। और तीसरा, आप इलेक्शन से नहीं, नॉमिनेशन से उस हाउस के मेंबर बने। तो डिफेक्शन कब माना जाएगा, हम इंडिविजुअली हर पॉइंट पे चेक करेंगे। सबसे पहले, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर थे और आप वहां से इलेक्शन जीते हैं, अगर आपने वॉलंटरली उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप गिव अप कर दी, तो डिफेक्शन माना जाएगा और आप डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर ए है, वो बीजेपी से इलेक्ट हुआ और बाद में इलेक्शन के बाद उसने अपनी मेंबरशिप बीजेपी की छोड़ दी, तो डिफेक्शन के ग्राउंड पे उसको डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। दूसरा ग्राउंड अंडर द सेम हेडिंग, आपने पॉलिटिकल पार्टी से तो उसको वॉलंटरली गिव अप नहीं किया है, लेकिन आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जो व्यूज हैं उसके अगेंस्ट वोट डाल रहे हैं, कॉन्ट्ररी में वोट डाल रहे हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, अगर आपने परमिशन ले ली है वोटिंग से 15 दिन पहले, तो वो डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। लेकिन वोटिंग से 15 दिन पहले आपने कोई परमिशन नहीं ली और आप विदाउट परमिशन अपनी पार्टी के कॉन्ट्रडिक्शन में वोट डाल रहे हैं, तो वो भी डिफेक्शन माना जाएगा एंड यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो ये दो पॉइंट्स हैं, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं और आप उस पार्टी के थ्रू मेंबर बने हैं। दूसरा, अगर आप इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, यानी कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, अब आप इलेक्शन में खड़े हुए, आप जीत गए, और जीतने के बाद इफ यू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो वो डिफेक्शन माना जाएगा और आप भी डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं टू बी मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। थर्ड इज नॉमिनेटेड मेंबर, ना ही आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं, ना ही आप इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह इलेक्ट हुए हैं, आपको नॉमिनेट किया गया है हाउस में। अब यहाँ पे एक आपको 6 मंथ्स का टाइम मिलता है। नॉमिनेशन के 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो डिफेक्शन नहीं है, दैट्स नॉट डिफेक्शन। बट आफ्टर 6 मंथ्स, यानी कि नॉमिनेट होने के 6 महीने बाद, if you decide to join any political party, that will be considered as defection. So nominated members ko 6 mahine ka time milta hai to join any political party, aur 6 months tak agar wo koi decision nahi lete hain aur phir koi political party ko join karenge, that will be considered as defection and that particular member can be disqualified from that house. Next, exceptions. There are 2 exceptions. एक्सेप्शन यानी जब डिफेक्शन नहीं माना जाएगा एंड दैट पर्सन विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड ऑन दिस ग्राउंड। 2 एक्सेप्शन हैं इसके। सबसे पहला एक्सेप्शन है मर्जर। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पॉलिटिकल पार्टी ए, इस पॉलिटिकल पार्टी के अगर 2/3 मेंबर्स डिसाइड करते हैं टू मर्ज विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी से बी, तो ये जो 2/3 मेंबर्स हैं जो ये पार्टी को छोड़कर बी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, इसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। नो डिफेक्शन, दिस इज नॉट डिफेक्शन। बट जरूरी क्या है कि एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स होने चाहिए फॉर मर्जर। लेकिन जो 1/3 मेंबर्स जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनका भी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा अगर वो एक सेपरेट ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। मगर इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जरूरी है कि 2/3 मेंबर्स उस पार्टी के एटलीस्ट मर्जर के लिए वोट डाले, तो ये पहला एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं और आप मेंबर बने हैं हाउस के, और उसके बाद आप उसी हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बन गए, तो अपनी ड्यूटीज को अनबायस तरीके से करने के लिए अगर आप अपनी पार्टी की मेंबरशिप गिव अप कर देते हैं और बाद में जब आप प्रेजाइडिंग ऑफिसर नहीं है उसको रीजॉइन करते हैं, तो वो डिफेक्शन की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। ओके, तो आपने क्यों किया है? सो दैट यू डू योर प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स वर्क
इन एन अनबायस्ड वे. तो इसीलिए आपने अपनी मेंबरशिप को गिव अप कर दिया फॉर द टाइम बीइंग, और बाद में अगर आपने रीज्वाइन किया है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफेक्शन. तो ये दो एक्सेप्शंस हैं. इन दोनों कंडीशंस में जो मेंबर्स होंगे उनको डिफेक्शन के ग्राउंड पे हाउस से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट इज 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003. बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है. इस अमेंडमेंट से पहले दो तरीके के जो एक्सेप्शन है उनको रिकॉग्नाइज किया गया था, स्प्लिट को और मर्जर को. मर्जर का मतलब होता है कि जब दो पार्टीज मर्ज हो रही हैं, यानी एक पार्टी से लोग निकल के दूसरे पार्टी में जाके मर्ज हो रहे हैं. स्प्लिट का मतलब होता है कि आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो रहे हैं, आप कहीं पे जाके मर्ज नहीं हो रहे. तो 91st अमेंडमेंट से पहले स्प्लिट के लिए अगर 1/3 मेंबर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्प्लिट होना चाहते हैं तो उसको डिफेक्शन कंसिडर नहीं किया जाता था. ठीक है, तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 मेंबर्स ये डिसाइड कर ले कि हम अब उस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाता था. दिस वॉज बिफोर 91st अमेंडमेंट एक्ट. और 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 ने इसी जो ये जो स्प्लिट की प्रोविजन थी इसको डिलीट कर दिया और सिर्फ मर्जर को अलाउ किया. तो आज की डेट में अगर मर्जर हो रहा है 2/3 मेंबर्स का तो वही सिर्फ एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज नहीं. सो दिस वाज अ मेजर चेंज मेड बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट. 91st अमेंडमेंट ने एक और मेजर चेंज किया था, नॉट इन एंटी डिफेक्शन मगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो स्ट्रेंथ होगी उस पर 15% का गैप कैप लगा दिया गया था. 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इन यूनियन एंड 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर सेंटर में है या किसी स्टेट में है तो 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं. दिस वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाई 91st अमेंडमेंट एक्ट. नेक्स्ट इज डिसाइडिंग अथॉरिटी. डिसाइडिंग अथॉरिटी यानी वो कौन अथॉरिटी होगी जो ये डिसाइड करेगी कि कौन मेंबर है जो डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो गया. जनरल रूल कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन पे डिसाइड प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे और गवर्नर स्टेट लेवल पे. यानी कि और जो डिस्क्वालिफिकेशन हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसाउंड माइंड, इनसॉल्वेंसी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर इन ग्राउंड्स पे ये डिक्लेयर करना है कि कोई मेंबर डिस्क्वालिफाइड है तो वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को दी है सेंट्रल लेवल पे और गवर्नर को दी है स्टेट लेवल पे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन. बट अगर डिफेक्शन के ग्राउंड पर डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है किसी मेंबर की तो यहाँ पे 52nd अमेंडमेंट ने ये पावर दी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को. जिस भी हाउस के मेंबर को डिस्क्वालिफाई किया जा रहा है ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन उस पे जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की होगी. तो राज्यसभा के केस में चेयरमैन और लोकसभा के केस में स्पीकर विल हैव द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड whether a person is disqualified on ground of defection or not. This of course happens at the central level. State mein state legislative assembly ke jo speaker honge wo decide karenge aur agar legislative council hai to chairman decide karenge. But the power is given to the presiding officer. So it's an exception. Agar aapka MCQ ka question aata hai to you have to read your question carefully ki wo kis ground ki baat kar raha hai. Generally baki sari disqualifications pe decide karne ki power प्रेसिडेंट के पास है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास है. बट इफ द ग्राउंड इज ऑफ डिफेक्शन देन द पावर इज ऑन प्रिजाइडिंग ऑफिसर. सो यू हैव टू रीड योर क्वेश्चन केयरफुली क्योंकि ऑप्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होगा प्रेसिडेंट भी होगा. तो टू आंसर दैट करेक्टली यू नीड टू पे अटेंशन टू द क्वेश्चन. अब ये जो पावर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दी है इसको क्वेश्चन किया गया था इन अ केस और 52nd अमेंडमेंट की वैलिडिटी को भी क्वेश्चन किया गया था सुप्रीम कोर्ट में.
की होता होलो हो वर्सेस जाचिलू, जो एक केस है, एक लैंडमार्क जजमेंट है, विच इज एसोसिएटेड विद एंटी डिफेक्शन लॉ. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि 52nd अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है. और दूसरा, यहाँ पे एक और चेंज लाया था और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि पावर टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ही रहेगी, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है उसको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है. दैट मीन्स द डिसीजन ऑफ अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू. बिकॉज जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है यहाँ पे वो एक जजमेंट की तरह है, ठीक है, वो डिसाइड कर रहे हैं वेदर अ मेंबर हु हैज बीन डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल इज डिस्क्वालिफाइड और नॉट. और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल मेंबर, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है, तो उनको अगर जुडिशियल रिव्यू से उनके डिसीजन को बाहर रखा जाएगा देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड फेयर एंड इट कैन बी क्वेश्चन्ड, उसकी रेलेवेंसी पे क्वेश्चन हो सकता है. तो इस तरीके के जो डाउट्स हैं वो ना अराइज हो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन होगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा. बट ऑफ कोर्स जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसीजन ले लेगा उसके बाद जुडिशियरी उस पर रिव्यू करेगी, उससे पहले जुडिशियरी इंटरफेयर नहीं कर सकती. सो दिस वॉज हेल्ड इन दिस केस. सो दीज आर ऑल प्रोविजंस रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ. एक बार एक क्विक रिविजन कर लेते हैं. Anti-defection law was introduced by 52nd Amendment Act 1985 और इसने एक 10th शेड्यूल को ऐड किया और बाद में 91st अमेंडमेंट से इसमें इसकी जो प्रोविजन थी उसमें रिफॉर्म्स किए गए. इस अमेंडमेंट से चार आर्टिकल्स अमेंड हुए और जो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड हैं MPs के और स्टेट लेजिस्लेचर्स के उसमें एक और ग्राउंड ऐड हो गया डिफेक्शन का. फिर इसमें ये लिखा हुआ है 10th शेड्यूल में ये भी लिखा हुआ है कि डिफेक्शन कब मानी जाएगी. तो तीन तरीके से आप किसी हाउस के मेंबर बन सकते हैं. इफ यू आर इलेक्टेड बाय योर एसोसिएशन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के थे और इलेक्ट हो गए, अब आप इलेक्शन के बाद अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं तो डिफेक्शन माना जाएगा. आप पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन आप पार्टी के जो व्यूज हैं उससे अगेंस्ट जाकर वोट डाल रहे हैं तो भी डिफेक्शन माना जाएगा. दूसरा, आप इंडिपेंडेंट थे, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं थे और आप इलेक्शन जीत गए, नाउ यू आर अ मेंबर ऑफ दैट हाउस बट नाउ यू डिसाइड्स टू जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो ये ज्वाइन जॉब कर रहे हो ये भी डिफेक्शन माना जाएगा एंड यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग मेंबर ऑफ दैट हाउस. थर्ड इज नॉमिनेटेड मेंबर, आप इलेक्शन से नहीं आए, यू हैव बीन नॉमिनेटेड इन द हाउस, तो 6 महीने का आपको टाइम मिलता है टू डिसाइड वेदर यू वांट टू जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी. इफ within 6 months you don't decide to join any political party then later on after 6 months agar aap koi political party join karenge to that will be considered as defection and you can be disqualified on ground of defection. Do exceptions hai, pehla exception hai merger ka. To agar 2/3 members of a political party decides to merge with any other party to wo defection nahi mana jayega. For both the members who are merging they also not be considered as defectors and the members who are not merging, jo 1/3 members bach gaye hain unko bhi defectors nahi mana jayega aur wo disqualify nahi honge. Dusra ground hai presiding officer ka. To ab agar aap presiding officer ki tarah elect ho gaye hain kisi house ke aur apni duties ko unbiased tarike se karne ke liye aap apne party ki voluntarily membership chhod dete hain aur baad mein usko fir se join karte hain when you ceases to be a presiding officer of that house, to wo bhi defection consider nahi hoga. So these are the only two exceptions of 52nd Amendment Act 1985. Next is 91st Amendment Act. इससे जो split की provision थी, जो exception था कि अगर 1/3 members split होना चाहते हैं अपनी पार्टी से तो वो defection नहीं माना जाता था, but 91st Amendment ने इसको delete कर दिया. Then deciding authority, disqualification का अगर ground defection है तो उसपे जो presiding officer होगा वो डिसाइड करेगा. बाकी अगर कोई और डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है देन द डिसाइडिंग अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ सेंटर एंड गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट. एंड देन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ की होता होलो हो वर्सेस अचिलू. इस केस में
सुप्रीम कोर्ट ने 52nd अमेंडमेंट को वैलिड बोला था, और दूसरा स्पीकर चेयरमैन या एनी प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनका जो डिसीजन होगा टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू. So these are the all provisions related to anti-defection law. Thank you so much for watching. And if you like this video, then please subscribe to my channel. Thank you.